गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर कमेटी की तरफ से 23वां गणपति महोत्सव बड़े ही धूमधाम से निम्बला चौक में मनाया जा रहा है। और मेरी लुधियाना वासियों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लें। और जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी वो मांगते हैं यहाँ पे, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो मैं इसीलिए सभी से कहता हूँ कि गणपति महाराज जी का आशीर्वाद लें और अपनी मन्नतें पूरी करें। ये गणपति बप्पा की लीला है जो यहाँ पर इतना रश, लोग गणपति भोले बाबा का और माँ गोरा का आशीर्वाद लेने आए हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही हर साल बड़ी धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया जाए। मोनिका भल्ला जो यहाँ पे विशेष रूप से गणपति जी के यहाँ आशीर्वाद लगाकर अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, 10 तारीख को भाविक जगी और कुमार संजीव जी की हाजिरी है। उसके बाद ऐसे ही लुधियाना शहर के सारे जाने माने जितने भी हमारे भजन सम्राट हैं सबकी हाजिरी लगती रहेंगी। भोले बाबा ऐसे ही हर साल 23वां, 24वां, 25वां, 26वां हर साल ऐसे ही अपने दरबार में देवा हो देवा के जयकारे गुंजाते रहे। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। ऐसे लेंगे असी रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर। तो अंदाजदा कि इस समय सारा माहौल जड़ा वै गणपतिमय होया पे है और साढ़े ना पूरे सेवक इतने खड़े हुए हैं। और तुम दस देव कि अब महोत्सव की जी है शुरुआत हो चुकी है जो कि पूरे 10 दिन तक इतना ही चलेगी। तो फिर गल करते हैं जोनी जी ने और नाली नाल जगी जी ने। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर कमेटी की तरफ से 23वां गणपति महोत्सव बड़े ही धूमधाम से निम्बला चौक में मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा स्थान है और एक ऐसा मंदिर है बाबा हर सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक चलेगा। मैं सभी लुधियाना वासियों को यही कहूँगा कि आओ, गणपति महाराज आ चुके हैं घर में रिद्धियां सिद्धियां देने के लिए, आप भी प्रभु का आशीर्वाद जरूर लेने के लिए आए। किस प्रकार से आज आप गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई है? आज इस दूसरे दिन में पहले तो मोनिका भल्ला जी द्वारा गणपति महाराज जी का गुणगान किया जाएगा। उसके बाद अपने महाकाल जी की महाआरती, जो कि दृष्टि ग्राउंड से शिव मंदिर से आ रहे हैं भगत, वो महाकाल जी की आरती करेंगे। आज रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर निम्बला चौक में हर साल की तरह गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से इस साल मनाया जा रहा है। और मेरी लुधियाना वासियों से अपील है कि बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आए और गणपति बप्पा का आशीर्वाद लें। और जिस तरह हमारे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी वो मांगते हैं यहाँ पे, उनकी मन्नत पूरी होती है। तो मैं इसीलिए सभी से कहता हूँ कि गणपति महाराज जी का आशीर्वाद लें और अपनी मन्नतें पूरी करें। हाँ जी, जय हो देवा। आज रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर में 23वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये गणपति बप्पा की लीला है जो यहाँ पर इतना रश, लोग गणपति भोले बाबा का और माँ गोरा का आशीर्वाद लेने आए हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही हर साल बड़ी धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया जाए। मोनिका भल्ला जो यहाँ पे विशेष रूप से गणपति जी के यहाँ आशीर्वाद लगाकर अपनी हाजिरी लगाने आए हैं, 10 तारीख को भाविक जगी और कुमार संजीव जी की हाजिरी है। उसके बाद ऐसे ही लुधियाना शहर के सारे जाने माने जितने भी हमारे भजन सम्राट हैं सबकी हाजिरी लगती रहेंगी। भोले बाबा ऐसे ही हर साल 23वां, 24वां, 25वां, 26वां हर साल ऐसे ही अपने दरबार में देवा हो देवा के जयकारे गुंजाते रहे। जय जी। जैसे कि अब 7 तारीख से गणपति जी का जो उत्सव है चालू हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग जहाँ यहाँ देखो हर एक स्टेट में, हर एक जिले में गणपति जी का महोत्सव जो है बहुत तेजी से चल रहा है। और गणपति बप्पा इसी तरह सभी लोगों पर अपनी रिद्धि सिद्धि बनाए रखें और सभी को सुख प्राप्ति करें। मैं तो यही कहूँगी, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज श्री गणेश जी की वजह से और रितु दीदी की वजह से मैं यहाँ पर आज खड़ी हूँ और यहाँ पर मुझे हाजिरी लगाने का मौका मिला है। कैमरा पर्सन हनी के नाल हरदीप दुआ ने दी इजाजत। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।